चौहान के बल पर ही हम चुनाव जीते थे, हमारे नेता शिवराज बिसेन। मुख्यमंत्री के सवाल पर पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने इशारों में शिवराज के नाम का समर्थन किया। भाव अब बात मुख्यमंत्री की हो रही है, कौन सा चेहरा होना चाहिए मतलब? देखिए, आप सब जानते हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो विकास का काम हुआ है और हमारे नीतियों के अंतर्गत जो हमने काम किया है वो एक उदाहरण है। 13 महीने में कमलनाथ के सरकार से राज्य की जनता का मोह भंग हो गया और जनता का तो मोह भंग हो ही गया, उनके जो विधायक हैं 22 विधायकों ने अपना जो बयान दिया है प्रेस के सामने, अपना जो कथन कहा है उसमें सरकार के कामों की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि सारा का सारा फंड छिंदवाड़ा में चला गया, मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है, विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, जो संकल्प पत्र वचन पत्र उसको एक उसका अंश भी पूरा नहीं किया गया। तो जब कांग्रेस में ही उनके वचन पत्र का पालन नहीं हुआ, ऐसे स्वर हैं, तो जनता में कहाँ संतुष्टि थी और उसका परिणाम आ गया, वो अपने अंतर्कलह से सरकार चली गई। अब जनादेश जब जनमत संग्रह हुआ था तो हमारे संख्या बल में हम कम थे लेकिन प्रतिशत के वोटों में हम ज़्यादा थे और वो स्थिति आ गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, औपचारिकताएँ होना बाकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन होगा और 31 मार्च के पहले जो बजट को लेकर औपचारिकताएँ पूरी करने उसको भी हम पूरा करेंगे। मंत्री जी, बहुत बड़ी चुनौती, आप कृषि मंत्री हैं, किसानों का कर्ज माफी है, ये सब है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन तो जनता कर रही है, वो कैसे हो पाएगा? कांग्रेस की सरकार ट्रांसपोर्ट उद्योग में लगी रही, हम राज्य के विकास में और जन कल्याण के काम में लगेंगे और जो कुछ उनसे छूटा है उस सब को हम पूरा करेंगे। चेहरा कौन सा होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो किसी व्यक्ति की बात होती नहीं, केडर बेस्ड पार्टी का नेतृत्व और विधायक दल जिसको अपना नेता चुनता है वही हमारा नेता होता है।